कोरोना का डेल्टा वेरिएंट और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। दूसरी लहर के दौरान तबाही मचाने वाले इस वेरिएंट ने एक बार फिर अपनी जेनेटिक संरचना में बदलाव कर लिया है, जिसे डेल्टा प्लस नाम दिया गया है। वैज्ञानिकों ने आशंका जताई है कि मोनोक्लोन एंटीबॉडीज कॉकटेल भी इस पर बेअसर साबित हो सकता है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य संस्था पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट के 63 जीनोम नए म्यूटेशन के साथ सामने आए हैं। रूटीन जांच के दौरान वायरस में हुए नए बदलाव का पता चला है। देश अभी कोरोना के डेल्टा वेरिएंट से ही जूझ रहा है, लेकिन अब नए खतरे ने भी दस्तक दे दी है। डेल्टा प्लस के कुल 6 मामले सामने आ चुके हैं। राहत की बात यह है कि भारत में इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा नहीं है। कोरोना का डेल्टा वेरिएंट पहले से ही काफी खतरनाक साबित हुआ है। इसका संक्रमण वैक्सीनेट हो चुके लोगों में भी देखा गया है। अब इसने अपने जीनोम में एक बार फिर बदलाव कर लिया है। देश में कोरोना की दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट की वजह से ही इतनी खतरनाक साबित हुई। इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है, साथ ही मरीज को बहुत जल्द पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लेता है। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर।